We are with a patient of ACL repair. इसका हमने almost 2 years back इसकी injury हुई और ये जब मेरे पास आया तो हमने ACL repair plan किया, यानी कि ACL को हमने save करने का plan किया। जो natural ACL है इसका वो हमारा एक क्राइटेरिया, उसमें बड़े सिलेक्टेड पेशेंट्स और हम पेशेंट चूज करते हैं कौन से पेशेंट में फिट आता है उस क्राइटेरिया में, उसमें हम ये प्रोसीजर ऑफर करते हैं। इसका हमने 2 years back ऑपरेट किया ACL का, विच वॉज ACL रिपेयर प्राइमरी। इसका आइसोलेटेड टीयर था और 2 साल हो चुके हैं इसको। सो आई विल लेट यू नो कि हाउ इज फीलिंग आफ्टर 2 years। 2 साल के बाद देयर इज नो लैक्सिटी, नो अनस्टेबिलिटी और ही इज डूइंग परफेक्टली फाइन। रनिंग भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, रूटीन एक्टिविटीज भी कर रहा है अपनी लाइफ की, और इसका नी भी बड़ा जबरदस्त स्टेबल नहीं है। तो वापस ये इस साइड का हमने ऑपरेट किया था, ये वाली साइड जो है नॉर्मल साइड है। सो आई विल शो यू स्टेबिलिटी टेस्टिंग। यहाँ पे रखो, अगर आप इसको फोकस करो तो ये इसका नॉर्मल नी है, बहुत स्टेबल है, जस्ट लाइक नॉर्मल नी। अब इस नी को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, जिसमें हमने चेक करना है कि क्या ये स्टेबल है, क्या उसी तरह कंपेरेबल है। तो यू कैन सी देयर इज नो इनस्टेबिलिटी, नो लैक्सिटी। दिस इज द पॉइंट आई वांट टू मेक कि ACL की सर्जरी अर्ली करवाने के क्या फायदे होते हैं। यही फायदा है कि सबसे बड़ा कि अगर ACL की इंजरी में अगर आइसोलेटेड ACL है और कोई इंजरी नहीं है और अगर आप अर्ली सर्जरी करवाते हैं तो वी कैन सेव नेचुरल ACL, जो कि नेचुरल ACL का फंक्शन है, जो कि उसमें मैकेनोसेप्टर्स, उसकी ज्वाइंट प्रोप्रिसेप्शन का फंक्शन है, वो भी प्रिजर्व किया जा सकता है और इसी ACL को बचाया जा सकता है विद आवर एडवांस्ड टेक्निक ऑफ प्राइमरी ACL रिपेयर। और नी की फीलिंग वही होगी जैसे बिल्कुल पहले जैसा नहीं था और दोनों नी एक जैसे लगेंगे। आपका 2 साल पहले ACL की सर्जरी हुई थी, हमने इसको रिपेयर किया था, राइट? सो अब आप अपनी सर्जरी से सेटिस्फाइड हो? सेटिस्फाइड। रनिंग भी कर लेते हो? सीढ़ियां चढ़ लेते हो, उतर भी लेते हो? इजीली। ठीक है, सो गुड। और आपकी जो सर्जरी थी चोट लगने के कितनी देर बाद हमने की थी? 20 डेज। मीनिंग 20 दिन के अंदर, विद इन 3 वीक्स हमने इसकी सर्जरी परफॉर्म की थी। यही एडवांटेज है ACL की सर्जरी अर्ली करवाने का कि आपको वो साल जो कंफ्यूजन में गुजारना था सोचने के लिए कि सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी, वो आप रिहैब में गुजारें और आजकल टोटली नॉर्मल नहीं दोनों साइड पे। अल्हम्दुलिल्लाह उतने ही कम स्कार्स, नो बोन ड्रिलिंग, किसी बोन में ड्रिलिंग नहीं हुई, कोई इम्प्लांट्स नहीं यूज हुए, कोई हमने इसका ग्राफ नहीं लिया, डोनर साइड मोबिलिटी जो कि ग्राफ लेने से आती वो भी नहीं हुई। सो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ओवर रिकंस्ट्रक्शन। और जो रिकंस्ट्रक्शन था, जो कि डेफिनेट प्रोसीजर था, हम एज ए बैकअप लेटर ऑन किसी भी टाइम अगर कोई इंजरी हो खुदा न खास्ता तो हम उसको रख सकते हैं। सो दिस इज एडवांटेज ऑफ गेटिंग ACL सर्जरी वेल इन टाइम, अर्ली एंड विद प्राइमरी ACL रिपेयर टेक्निक। थैंक यू।